दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सरसों की भाजी आप घर पर किस तरह से लगाएं। चाहे तो आप गमले में लगाएं, चाहे तो आप किसी भी प्लास्टिक की बोतल में भी इसे लगा सकते हैं। और सरसों की भाजी लगाने के लिए दोस्तों आपको किसी भी तरह के बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे मसालेदान में जो राई के दाने होते हैं ना दोस्तों, बस उसे ही आपको मिट्टी पर लगाना है। राई, जिसे कि सरसों भी कहा जाता है दोस्तों, दोनों के दाने में कुछ साइज़ का अंतर होता है। राई का दाना थोड़ा सा छोटा होता है और सरसों का दाना थोड़ा सा बड़ा होता है। टेस्ट सेम रहता है। और यदि आप सरसों का साग लगाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से जगह पर इसे सरसों का साग ही कहा जाता है, तो दोस्तों यदि आप सरसों का साग लगाना चाहते हैं तो चाहे आप राई डालें चाहे आप सरसों डालें, दोनों से ही आपको ये पौधे आपके लग जाएंगे। और अभी तो बारिश का मौसम है, बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। आप देख रहे हैं मैंने गमले में भी लगाया है और साथ ही साथ एक प्लास्टिक की बोतल में भी लगाया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपके मसालेदान में जो सरसों होती है बस वही सरसों को लेना है और मिट्टी के ऊपर उसे स्प्रिंकल कर देना है। आप देखेंगे 5 से 6 दिन में ही आपके सरसों के छोटे छोटे से पौधे आने लगेंगे। तो आप देख रहे हैं ये तो कम से कम 15 दिन के बाद की शूटिंग है। मेरे सरसों की भाजी के पत्तों के साइज़ से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हो गए हैं, ये देखें। और इस गमले में आपको थोड़े से छोटे पत्ते लग रहे होंगे, क्योंकि इसके लगे हुए मात्र 5 से 6 दिन हुआ है। और प्लास्टिक के डब्बे में जो सरसों की भाजी लगाई दोस्तों, उसे ज़्यादा दिन हो गया है, इसलिए थोड़े पत्ते बड़े बड़े हैं। बस अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और बढ़िया अच्छा आप सरसों का साग बना सकते हैं। और घर पर उगी हुई भाजी की तो बात ही अलग है। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ही हमने इसे ग्रो किया है, किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का छिड़काव नहीं किया है दोस्तों। और इसे लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से ये भाजी लग जाती है और बहुत ही हेल्दी होती है। वैसे तो सरसों की भाजी ज़्यादातर ठंड के मौसम में ही खाई जाती है, तो मैंने इसे गमले में भी लगाया, प्लास्टिक की बोतल में भी लगाया है दोस्तों। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इसकी कुछ ताज़ी ताज़ी पत्तियों को काट लेती हूँ, कैंची की मदद से ऊपर ऊपर से मैं काट लेती हूँ। और बस उसके बाद आप इसे भाजी में करें, या फिर आप जैसे कि मेथी पालक की भाजी बना रहे हैं, मिक्स भाजी भी बना सकते हैं। इसकी पत्तियों को बारीक काट कर आप उसमें डाल सकते हैं। तो सरसों की भाजी वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती है, आप भी अपने घर पर ज़रूर लगाएं। और आप इसके पत्तों को देखकर अंदाज़ लगा सकते हैं दोस्तों कि कितने अच्छे बड़े बड़े साइज़ के इसके पत्ते उगे हुए हैं। और इसके पौधों को आप जड़ सहित ना उखाड़ें, बस ऊपर ऊपर से आप इसकी कटिंग कर लें। 8 से 10 दिन में इसकी पत्तियां वापस फिर से बढ़ने लगती हैं, फिर से ग्रो होने लगती हैं। 2 टाइम आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, 2 बार इसकी पूरी कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप चाहें तो वापस इस गमले में नए राई के दाने डाल दें और फिर से आप सरसों की भाजी को उगा सकते हैं। परंतु जब दोबारा आप फिर से बीज डालें तो मिट्टी में किसी भी तरह का खाद ज़रूर डालें, क्योंकि मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होंगे, पोषक तत्व होंगे, उतनी ही तेज़ी से हमारे पौधे बढ़ेंगे। तो आप मेरी भी ये सरसों की भाजी देखकर अंदाज़ लगा सकते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे उगा लिया है। और जब ज़रूरत होती है मैं इसकी पत्तियों को काट लेती हूँ